नमस्ते गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल ज्ञानी चश्मा बाबा। और आज का एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे उन लोगों की जिनको दूर और नज़दीक दोनों का पावर चाहिए, सपोर्टिव पावर अच्छा देखने के लिए, यानी जिनको बाईफोकल लेंसेज की ज़रूरत पड़ती है, प्रोग्रेसिव लेंसेज की ज़रूरत पड़ती है। तो आज का एपिसोड हमारा प्रोग्रेसिव लेंसेज वर्सेस बाईफोकल लेंसेज के ऊपर होने वाला है, और सारी जानकारी आपको इस एपिसोड में मिलेगी। तो इस एपिसोड को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, और इस वीडियो को पसंद, अगर आपको ये वीडियो आए तो इसको लाइक कीजिएगा। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि ऐसे कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप मिस ना करो। शेयर कीजिएगा इस वीडियो को उन लोगों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है। तो गाइस देखिए, जब आपका एज 39 से ऊपर होगा तो आपको नज़दीक के लिए एक पावर दिया जाएगा, 1.5 फीट में देखने के लिए, ठीक है, 1.5 फीट ये हम बोलते हैं, ठीक है। ये आधे हाथ की दूरी 1.5 फीट में पढ़ने के लिए आपको दिक्कत होगी, तो उसके लिए एडिशन दिया जाता है। जो पावर में ये वाला एडिशन पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये इसी के लिए दिया जाता है। तो क्या होता है इससे कि आपको नज़दीक में देखने की दिक्कत हो रही है, इसीलिए ये एडिशन पार्ट दिया जाता है। और साथ ही अगर आपको करेक्शन चाहिए दूर में, कि आपको दूर का भी दिक्कत था देखने में, तो दूर और नज़दीक दोनों के दिक्कत के लिए आपको पावर दिया जाएगा। नज़दीक के लिए प्लस पावर, डिस्टेंस के लिए जनरली माइनस पावर होता है। तो आपको रेक्टिफिकेशन चाहिए, मतलब लेंस के सहारे से आपको सही दिखाया जाएगा दूर में और नज़दीक की चीज़ें। अब सवाल आता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऐसे लेंसेस को जिसमें दूर और नज़दीक दोनों का पावर दिया रहता है, दोनों को ठीक करने के लिए लेंसेज में सपोर्टिव पावर दिया, तो उसको बोलते हैं बाईफोकल लेंसेज। क्योंकि आपको बाईविजन करेक्शन की ज़रूरत है, कि दूर में भी आपको सही दिखाना है और नज़दीक में भी सही दिखाना है। ये तो हो गया बाईफोकल का बात। उसके बाद हम करेंगे गाइस नो लाइन बाईफोकल की बात। नो लाइन बाईफोकल मतलब क्या होता है? बाईफोकल में अक्सर आप देखेंगे ये इस तरह का होता है डायग्राम, मतलब एक गोल होता है, उस गोल से आपको नज़दीक में देखना पड़ता है 1.5 फीट में, और टॉप ऑफ द लेंस मतलब ऊपरी हिस्से से लेंस की आपको दूर में देखना पड़ता है। ये हो गया बाईफोकल का कंसेप्ट। एक होता है नो लाइन बाईफोकल, मतलब उसमें आपको बाईफोकल करेक्शन तो मिलेगा लेकिन ये गोल नहीं मिलेगा, मतलब पावर दिया रहेगा, दो पावर दिया रहेगा, बाई मतलब टू, दो पावर, दूर का एक पावर, एक आपका 1.5 फीट में पढ़ने के लिए एक पावर, लेकिन वो गोल बना हुआ नहीं रहेगा, वो बेसिकली इनविजिबल रहेगा। ऐसे जैसे मैंने प्लेन लेंसेज पहने हो, ऐसे प्लेन दिखेगा लेंस, लेकिन उसमें एक नज़दीक का पावर रहेगा और एक आपका दूर का पावर होगा, वो नो लाइन बाईफोकल होता है। कन्वेंशनल बाईफोकल कैसे होता है? जैसे चलता है, आपने देखा भी हुआ, उसमें एक गोल सा बनाया हुआ रहता है, ठीक है, उस गोल से आपको 1.5 फीट में देखना है नज़दीक में, और डिस्टेंस वाला मतलब टॉप ऑफ द लेंस से, ऊपरी भाग से लेंस के आपको दूर पे देखना है। उसके बाद आया दोस्तों प्रोग्रेसिव लेंसेज। अब प्रोग्रेसिव लेंसेज किन के लिए होता है? अगर आपने मेरा प्रोग्रेसिव लेंसेज वाला एपिसोड देखा होगा तो आप जानते हैं, नहीं देखा तो आप देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। प्रोग्रेसिव लेंसेज होता है मल्टी फोकल लेंसेज, उसमें बहुत सारे फोकल होते हैं, ये दो विजन नहीं होता उसमें कि दूर का नज़दीक का, मेनली 3 विजन होता है उसमें, एक दूर का, एक इंटरमीडिएट, मतलब ये 1.5 फीट के लिए तो आपको डॉक्टर ने सपोज कीजिए एक एग्जांपल 1.50 दिया है, 1.50 स्पेरिकल का पावर दिया है प्लस 1.50, लेकिन इस डिस्टेंस में आपको देखने के लिए वो 1.50 नहीं होगा, फिर आप जैसे ही डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे वो धुंधला हो जाएगा, तो उसके लिए चाहिए 1.25 प्लस 1.25, एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो यही प्रोग्रेसिव लेंसेज का कमाल है। प्रोग्रेसिव लेंसेज में मल्टीपल फोकल पॉइंट क्रिएट किया हुआ रहता है, लेंसेज प्लेन रहते हैं लेकिन अलग अलग पार्ट ऑफ द लेंसेज में अलग अलग पावर रहते हैं, एक दूर के लिए, एक आपका इंटरमीडिएट के लिए, मतलब जो चीज़ 1.5 या 2 फीट से दूरी है उसको देखने के लिए, और एक नज़दीक के लिए। तो प्रोग्रेसिव लेंसेज, अब सवाल ये उठता है कि प्रोग्रेसिव लेंसेज किन के लिए हैं? बेसिकली प्रोग्रेसिव लेंसेज दोस्तों उनके लिए हैं जो कंप्यूटर में काम करते हैं, जिनको साइमल्टेनियसली मतलब एक ही साथ 1.5 फीट में और 2 फीट में या उससे बाहर भी देखना है, और दूर में भी उनको सही देखना है। मतलब दूर का तो उनका पहले से प्रॉब्लम था, और नज़दीक में 1.5 फीट का भी अभी प्रॉब्लम आ गया, लेकिन व्हाट अबाउट कि अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा 1.5 फीट से दूर कर दूँ, मतलब इसको 2.5 फीट या 3 फीट पे कर दूँ, जैसे कंप्यूटर में होता है, हमारा कीबोर्ड तो हमारे हाथ के सामने होता है, इसमें हम टाइप करते हैं, लेकिन जो डेस्कटॉप होता है वो दूर होता है। तो यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोग्रेसिव लेंसेज आया। साथ ही गाड़ी की अगर बात करें ड्राइविंग की, तो स्टीयरिंग व्हील हमारे 1.5 फीट में होता है, ठीक है, लेकिन गाड़ी का फिर डैशबोर्ड या डिजिटल जो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर होता है वो 3 फीट या 3.5 फीट में होता है। तो प्रोग्रेसिव लेंसेज से क्या होता है दोस्तों, 1.5 फीट में भी दिख गया,
3 फीट में भी दिख गया और डिस्टेंस में भी दिख गया, प्लस उसमें कोई भी तरह की मार्किंग नहीं होती, ठीक है, इनविजिबल सा होता है वो पूरा लेंस, ऐसा जैसे एक सिंगल लेंस है, जैसे सिंगल विजन में होता है कि दूर का अगर पावर कम चश्मा बना तो जैसे प्लेन लेंस होता है प्लेन, लेकिन इनविजिबल होने के बावजूद उसमें पावर होता है, ठीक है। जैसे ही आप प्रोग्रेसिव लेंसेज का ऐसे ऐसे करके देखेंगे तो देखेंगे कि अलग अलग पार्ट ऑफ द लेंसेज में आपको अलग अलग फील आ रहा है, तो इसलिए कि उसमें मल्टीपल फोकल पॉइंट्स होते हैं और मल्टीपल पावर्स होते हैं, एक 3 फीट के लिए, एक आपका 1.5 फीट के लिए नज़दीक में पढ़ने के लिए और डिस्टेंस में। तो यही डिफरेंस होता है, पहला मैंने बताया बाईफोकल लेंसेज, बाई मतलब टू, जिसमें डिस्टेंस और नियर का करेक्शन होता है, और एक उसका ही एक एडवांस पार्ट होता है नो लाइन बाईफोकल, जिसमें लेंस तो प्लेन रहेगा लेकिन उसमें डिस्टेंस और नियर का होगा, और उससे भी एडवांस आ गया प्रोग्रेसिव लेंसेज, जिसपे आपका डिस्टेंस इंटरमीडिएट मतलब 3 फीट में पढ़ने के लिए कुछ, डेस्कटॉप वगैरह देखने के लिए कोई भी चीज़ अगर 1.5 फीट के बाहर हो, जितने का आपका पावर दिया हुआ एडिशन दिया हुआ उससे बाहर अगर आपको देखना है तो उसके लिए, और ये मतलब आप कह सकते हैं कि डिस्टेंस है उसमें एक इंटरमीडिएट है और एक नियर है। तो यही आज का जानकारी आपको देना था, तो आप अगर एक ऑप्टिशियन है तो कस्टमर से बात कर लीजिए, पूछ लीजिए कि उनको साइमल्टेनियसली नज़दीक में दो डिस्टेंस में 1.5 फीट और 3 फीट में साइमल्टेनियसली कोई टाइपिंग वर्क या एक ही साथ वो कुछ ऐसा काम करते हैं कि नहीं, तो ही उनको प्रोग्रेसिव लेंसेज सजेस्ट कीजिए, और अदरवाइज प्रोग्रेसिव लेंसेज हर किसी के लिए नहीं होता। और मैं एक और चीज़ इसमें जानकारी देना चाहूँगा कि प्रोग्रेसिव लेंसेज नीड्स टाइम टू गेट एडजस्ट टू इट। कितना टाइम? 12 से 14 दिन, किसी किसी को 8-9 दिन में भी एडजस्ट हो जाता है। वहीं बाईफोकल के लिए भी आपको एडजस्टमेंट के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, 4 या 5 दिन, क्योंकि पहली बार आप ऐसा चश्मा पहन रहे हैं जहाँ पे डिस्टेंस के लिए भी एक विजन दिया हुआ है, नज़दीक में देखने के लिए भी एक विजन दिया हुआ है। लेकिन ये सारा चीज़ उनके ही लिए है जिनका एज 38-39 से ऊपर है, उन्हीं को एडिशन लगता है। अगर आपका एज 38 से नीचे है तो आपको एडिशन अभी नहीं लगेगा, आपका पावर होगा सिंगल विजन। तो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही मैं बोलना चाहूँगा कि अमेज़ॉन पे मैंने एक एफिलेट अकाउंट क्रिएट किया है, जहाँ से मैंने आपको सेक्शन बनाकर दिया हुआ है बाकायदा, वहाँ से आप 0 पावर का ब्लू कट लेंसेज जैसे मैंने डाला हुआ है वैसा आप ले सकते हैं अपने आई को प्रोटेक्ट करने के लिए। उन आई ग्लासेस को पहन के आप कंप्यूटर में, पीसी में, मोबाइल पे या ड्राइविंग वगैरह भी कर सकते हैं। सो आज के एपिसोड में इतना ही था, मिलते हैं एक और एक्साइटिंग एपिसोड में अगले वीक। तब तक के लिए अपने आँखों का बेहतर ख्याल रखिए, और बिजनेस एपिसोड भी जल्द ही मैं अपने चैनल पे लाके आपको देता रहूँगा, ताकि आप रिटेल बिजनेस अच्छे से कर पाएँ, और अपने बिजनेस में क्या क्या आपको करना है नहीं करना है वो सारा इन्फॉर्मेशन भी आपको मेरे चैनल से मिलता रहे। टिल देन बाय, अपना ख्याल रखिए, अपने आँखों का ख्याल रखिए और अपने परिवार का भी ख्याल रखिए।